गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, सुबह के अभी 6 बजे हैं तो मैंने चाय बनाई है इनके लिए भी और अपने लिए भी। एक और आए हुए हैं हमारे जेठ जी के बेटे, मंझले बेटे, तो उनको भी चाय दे दिया है। ऊपर हैं विकास के साथ, तो उनको भी चाय दे दी है और अभी हम दोनों लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। तो ये भी कहीं जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत काम है तो वो निपटा लूँ, तो बोले कि ठीक है 10 मिनट रुकता हूँ। तो वही हम लोग बातें करते हुए चाय पी रहे हैं। और अब देखिए दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये चना है, कल रात को ही मैंने इसको डाल दिया था फूलने के लिए, बहुत अच्छे से ये फूल गए हैं। तो आज मैं चने की कुछ अनोखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, मतलब कुछ अलग सब्जी। जब ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चने को मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसमें 5-6 लहसुन की कलियाँ डालूँगी और 1 अदरक का टुकड़ा। तो आप देख सकते हैं लहसुन को छील छील के मैं डालते जा रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, तो मेरे पास नहीं था ना, तो जो अचार मैंने बनाया था उसी में से 3-4 मिर्च मैंने ले लिए हैं और इसको भी डाल दिया है मिक्सी में अदरक लहसुन के साथ। थोड़ा सा डाला है इसमें नमक और इसे पीस लेती हूँ और इसका बना लिया है फाइन पेस्ट। तो ये अच्छे से पीस नहीं रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है हल्का सा, और उसके बाद ना बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया था दोस्तों। तो ये एक लॉट है और एक बार और दूसरा लॉट भी मैं पीसूंगी। थोड़ा सा चना मैंने रहने दिया है ऐसे ही खाने के लिए, पूरा नहीं पीसा है। तो यहाँ देखिए, ली है एक थाली, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल और तेल से थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद जो पेस्ट मैंने बनाया है ना वो इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब इसे पकाएंगे ना तो ये थाली में से अच्छे से निकल जाएंगे, ग्रीस किए हुए ना ऑयल से, इसलिए। अब काले चने को पीस लिया एक लॉट, चलिए दूसरा लॉट भी इसी तरह पीस के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए और इसमें से 1-2 चम्मच पेस्ट मैं जार में ही रख देती हूँ, ये ग्रेवी में काम आ जाएगा। और थाली में मैं इसको बहुत अच्छे से एक सार कर लेती हूँ। पेस्ट हमारा कम है, थाली थोड़ी बड़ी है, तो जितना भी मैंने फैल सका, जितना मुझे मतलब पतला चाहिए था उस हिसाब से मैं इसको फैला लेती हूँ। थोड़ा सा ये देखिए जार में 1-2 चम्मच बचा हुआ है, तो ये ग्रेवी के लिए रहने दिया है। कढ़ाई में भी पानी गर्म हो रहा है दोस्तों, तो चलिए तब तक, जब तक कि पानी गर्म हो रहा था, मैं टमाटर और प्याज काट लेती हूँ सब्जी के लिए। थोड़ा सा प्याज मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और 5-6 मैं काट लूँगी और इसे जार में डाल के पीसने के लिए। और हमारा प्याज आप देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे साइज़ का है, इसलिए ज़्यादा प्याज काटना पड़ रहा है, नहीं तो 3-4 बड़े प्याज में ही ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, पानी में उबाल आ गया था, एक कटोरी रख दी है, कटोरी में भी थोड़ा सा पानी रखा है बैलेंस बनाने के लिए और उस पर रख दिया है ये पेस्ट और इसे ढक देती हूँ। ढक के 8 से 10 मिनट इसे भाप में ही पकाएंगे, बहुत अच्छे से पक जाएंगे और तब तक मैं प्याज को भी डाल के मिक्सी में पीस लेती हूँ ग्रेवी के लिए। आप चाहे तो टमाटर भी साथ में डाल सकते हैं, बट मैं टमाटर को ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो चलिए पहले इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो प्याज को पीस लिया है दोस्तों और 1-2 चम्मच जो चना था वो भी इसी के साथ पीस गया है। और ये देखिए, बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं। थोड़ा सा इसको उतार के मैं 5 मिनट के लिए बाहर छोड़ देती हूँ, उसके बाद काटेंगे। तो काटने में भी बहुत आराम से ये कट जा रहे थे बर्फी के साइज के। आप चाहें अपने मनपसंद साइज में काटें, मैं तो वैसे ही चौकोर काट रही हूँ। और ये देखिए, कट के एकदम तैयार हो गया, देखिए कितने अच्छे से निकल जा रहे हैं, बिल्कुल भी थाली में चिपक नहीं रहा है क्योंकि हमने ऑयल ग्रीस किया था ना, इसलिए। तो छोटे छोटे इस साइज में मैं काट लेती हूँ। आप अगर बनाएं तो किसी भी साइज में, आपकी जैसी इच्छा हो
वो उस तरह से आप रख सकते हैं। देखिए बर्फी के डिज़ाइन में मैंने इसे चौकोर चौकोर ही काट लिया है। और अब डालेंगे कढ़ाई में तेल, तेल को करेंगे गरम। और जब तक तेल गरम हो रहा है दोस्तों, तब तक मैं सारे पीस को ऐसी तरह से निकाल लेती हूँ एक एक करके। बहुत अच्छे से ये थाली से निकल गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सारे पीस बहुत अच्छे से निकल गए हैं और देखने में बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब एक एक करके इसको इसमें डाल देते हैं तेल में। इसे डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो सेलो फ्राई करें और चाहें तो ना भी करें, बिना फ्राई किए हुए ऐसे भी ये बन जाता है, लेकिन फ्राई करने से ना थोड़ा सा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। थोड़ा अलट पलट के इसे थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भुनेंगे तो कड़ा हो जाएगा। बस हल्का सा फ्राई करें दोस्तों। तो चलिए एक लोट तो हमारा हो गया है, इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी पीसेस बचे हुए ना उसे भी फ्राई कर लेंगे। और ये ना इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सौंधापन लगता है इसका स्वाद। मतलब आप बना के देखिए और उसके बाद खाइए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फ्राई किए पीसेज भी बहुत अच्छे लगते हैं बिना ग्रेवी के भी, नाश्ते के लिए। तो चलिए इसी तरह बाकी जो बचे हुए हैं उसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाला है और जो मैंने ये भुना हुआ था ना, देखिए किस तरह से कलर इसका एकदम बर्फी जैसे लग रहे हैं। सबको मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है और रख देते हैं। कढ़ाई में तेल हो गया है गरम, तो इसमें डालेंगे जीरा, दो लाल मिर्च, दो तेज पत्ता और ज़रा सी हींग डालेंगे तड़के में। खड़े मसाले अगर आपके पास हैं तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है दोस्तों तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं हमेशा जो भी खाना बनाती हूँ ना, तो जितना भी सामान मेरे घर में अवेलेबल होता है बस उसी से बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो मैं ये सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, नहीं। मतलब मेरी इच्छा होती है अगर कोई सब्ज़ी खास बनाने की, तो जो भी घर में सामान अवेलेबल होता है मैं उसी से बना लेती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। तो करी पत्ता भी मैंने डाल दिया, ये ऑप्शनल है। मेरे घर में करी पत्ता का पौधा है तो मैं बहुत सारी सब्जी या दाल में डाल देती हूँ, क्योंकि करी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। ऐसे तो सब तीन नहीं खा पाते हैं, तीखा लगता है, तो मैं सब्जी दाल में हमेशा यूज़ करती हूँ करी पत्ता का। तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें करी पत्ता। तो वैसे भी जब भी मैं छत पे जाती हूँ ना, तो तोड़ तोड़ के ऐसे भी खाती हूँ। फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं, इसलिए मैं हमेशा करी पत्ता कम से कम दो डंठल, जो नए वाले पत्ते होते हैं, डेली मैं खाती हूँ। तो चलिए जो मिक्सी में मसाले मैंने पीसे थे ना, प्याज और चना, वो भी डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, लगभग 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। तो अब मैंने इसमें ये टमाटर जो काट के रखा था ना, वो डाल दिया है और साथ में नमक डाल दिया है, ताकि ये टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। और इस मसाले को ना बहुत देर तक भूनना पड़ता है। पिसे हुए प्याज अगर आप डालते हैं ना, तो इसको भूनने में टाइम लग जाता है दोस्तों। तो चलिए सब्जी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, ये है लाल मिर्च 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले हो गए हैं यहाँ पे तैयार, आप देख सकते हैं। तो इसे पानी डाल के थोड़ा सा घोल लेंगे, इसका घोल तैयार कर लेते हैं। मसाले फूल जाएंगे तो बहुत अच्छे से, मतलब इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, इसे भूनने में अभी 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। और मसाले डाल के भी ना इसको बहुत अच्छे से भूनना है, जैसे मछली का मसाला हम लोग भूनते हैं ना एकदम लाल करके देर तक, उसी तरह से इन मसालों को भी भूनना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। और अब इसमें भर के 1 चम्मच डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और दोस्तों अभी मैंने दूसरी तरफ रख दिया है पानी सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि गर्म पानी ही इस सब्जी में डालते हैं तो इसका टेस्ट बढ़ता है। और ये है कसूरी मेथी। मसाले आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया मसालों को। तो लगभग मैंने 15-16 मिनट मीडियम आंच पे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भुना है दोस्तों। बस मसाले भुनने में इसमें टाइम लग जाता है।
तो चलिए इसी में अब पानी मैंने डाल दिया है धीरे धीरे करके। देखिए पहले मिला के, मतलब पानी तो बहुत सोखता है ना ये सब्जी, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा डाला जाता है। और इसे अब ढक देते हैं, उबलने के बाद ही पीसेस को डालेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उबाल आ गया है पानी में, मसाले इसमें अच्छी तरह से पक गए हैं। थोड़ी देर मतलब 5 मिनट मैंने इसको उबाला है। और अब डाल देते हैं ये जो पीसेस हमने फ्राई करके रखे हैं काले चने के, तो उसको भी इसमें डाल देते हैं और 5-6 मिनट इसे मीडियम। तो देखिए दोस्तों, अभी सब्जी को मैंने चढ़ा दिया है, डाल दिया इसमें 5 से 7 मिनट इसे मीडियम आंच करके, 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच कर दिया है। ये अच्छे से पक जाएंगे, वैसे तो पका हुआ है ही हूँ, लेकिन रस में जाने पे अच्छे से रस को अब्जॉर्ब कर लेगा। पानी इसमें ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये चने का है तो ये पानी सोखेगा, तो इसमें डाल दिया है, थोड़ा विशेष करके ही पानी डाला है क्योंकि ये बाद में ना पानी को सोख लेगा। तो चलिए अभी चलते हैं और काम कर लेने। तो बस वही मैं बना रही हूँ क्योंकि विशाला जाने वाला है, वही टाइल्स वगैरह का काम है ना, तो वो सब सामान लेके आज आएगा। तो यहाँ पे खाना बना के मैं रख देती हूँ, पता नहीं कितने बजे आता है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो खाना बना के रख देती हूँ, चावल ही मैंने चढ़ा दिया है, चावल और यही चने की सब्जी। और उसके बाद मैं तैयार होकर स्कूल के लिए निकलूँगी, नहा धो के खा पी के, क्योंकि मतलब कोई सही नहीं है उसका कि दोपहर में आएगा या मतलब सुबह में आएगा। तो अभी तो बजे हैं 7:30 अभी बजे हैं, थोड़ी देर मतलब सब्जी हो जाएगी, उसके बाद मैं नहा धो के स्कूल के लिए चलूँगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बन के हो गई है तैयार। और अब इसमें 2 चीज़ डालना है मुझे, एक तो थोड़ा सा गर्म मसाला और दूसरा कसूरी मेथी। धनिया पत्ता नहीं है मेरे यहाँ अभी, नहीं तो धनिया पत्ता आप इसमें डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ा सा मैं और ऊपर से कसूरी मेथी धनिया पत्ते की जगह पे डाल रही हूँ, अगर होता तो धनिया पत्ता ही डालती। और देखिए ग्रेवी इसकी, और पीसेज एक भी नहीं टूटे हैं, बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ है, स्मूथ इसका पीस बन के तैयार हुआ था। चलिए इसे ढक देते हैं, चावल भी मैंने उस तरफ चढ़ा रखा है। और अभी देखिए दोस्तों, 8:15 हो गए हैं और विशाल अभी आ गया, मतलब जस्ट अभी आया ही है, तो बोला कि खाना निकाल दो मम्मी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है तैयार होके। तो बोला कि मैं नहा धो के आया हूँ अपने डेरा में से, तो जल्दी से मेरा खाना निकाल दो, उसके बाद तुम तैयार होने जाना। तो उसका खाना भी निकाल दिया है, देख सकते हैं ये रही हमारी सब्जी। और सब्जी देख के उसका मतलब, जैसे ही वो घर में आया ना तो पूछ रहा था कुछ खास बना है क्या, बहुत अच्छा मतलब सुगंध आ रहा है। तो मैंने बोला हाँ, खा के पहले बताना कि किस चीज़ की सब्जी खा रहे हो तुम, और वो गेस भी नहीं कर पाया कि किस चीज़ की सब्जी है। तो देखिए रात में जो आलू परवल का मैंने भुजिया बनाया था, वो भुजिया है और मिर्च का अचार है, साथ में जो है मूली का भी अचार है। तो यहाँ पे देखिए विक्की और विशाल दोनों खा रहे हैं, दोनों का खाना मैंने निकाल दिया है, उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और सबको सब्जी बहुत पसंद आई। तो बस दोस्तों, अभी मैं तैयार हो गई हूँ। आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिएगा। स्कूल के लिए निकलती हूँ, 9 बज गए हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बाय आप सबको।